हाय ओमी सर, मैं आपका मे बैच का स्टूडेंट हूँ। आपने क्लियरली बताया था कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। थैंक यू, ज़्यादा बोलने नहीं आता है, फिर भी जितना ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हेलो गाइस, मैं आपको आज का एनालिसिस दिखाने से पहले या फिर बताने से पहले कुछ पॉइंट बता देता हूँ। देखो, मैं जब भी कोई आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ या फिर कुछ चीज़ें बता देता हूँ तो उसके पीछे बहुत से लॉजिक, उसके पीछे चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके फिर आपको बता देता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, देखो मैं जब भी लाइव में रहता हूँ या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि लोगों को चाहिए मुझसे बस कॉल और पुट चाहिए। देखो, आप आई थिंक आज के दिन, कल दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में मेरे से कॉल पुट ले भी लोगे, पैसे भी बना लोगे, लेकिन फायदा क्या? जब आप अपने मन से ट्रेड करोगे तो नुकसान ही करोगे। तब आपको पता ही नहीं कि वे ऑफ डायरेक्शन मार्केट का क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से करना चाहिए, तो इट विल बी अ मिस्टेक फॉर यू। सो आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपलिसिटी की चीजें बता देता हूँ। देखो, जब भी आप मेरे एनालिसिस देख रहे हो तो उसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स है ना, ये मेरे माइंड में सेट होते हैं। आज के दिन पे भी मैंने बैंक निफ्टी में और क्या बता के रखा था कि मार्केट को गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर चला जाता तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, मैं यूट्यूब पे बहुत कम चीजें बताता हूँ, सारी चीजें नहीं बताता, लेकिन सबसे ज्यादा मैं ही बता रहा हूँ आपको कि ओपनली एनालिसिस में ही बता रहा हूँ। फिर भी उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है कि जो और भी जो लॉजिक्स है, उसके पीछे का माइंडसेट है मेरा, उसके पीछे की बायर सेलर की जो साइकोलॉजी, वो सारी साइकोलॉजी हम आपको स्टूडेंट को बता देते हैं। जैसे मैंने कल भी बता के रखा था, मैंने क्लियर कट बता के रखा था, याद आपको लाइन टू लाइन बता दे दो। अगर मेरे स्टूडियोज का मैंने बोल के रखा है कि उनको वीडियोज का, अगर मुझे कोई वीडियो मिल जाता तो मैं वीडियो भी यहाँ पर लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने क्लियर मेंशन करके रखा था उनको कि मैं कल गलत भी हो जाऊं, सुनो अच्छे से क्या बता रहा हूं, मैं कल के दिन पे गलत भी हो जाता हूं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा व्यू क्लियर बोलता है मार्केट का कि बैंक निफ्टी को एक ना एक बार ऊपर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद बैंक निफ्टी फेल होकर वापस नीचे आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन एक बार ना एक बार बैंक निफ्टी को श्योर शॉट ऊपर के डायरेक्शन में, अपसाइड में एक मोमेंटम तो करना ही पड़ेगा। ये क्लियर कट मैंने स्टूडेंट्स को बता के रखा था। मैंने ये भी बोलकर रखा था कि मैं गलत भी हो जाऊं चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एनालिसिस बोलता है कि मार्केट को जाना तो अपसाइड ही पड़ेगा। सो ये क्लियर है मेरा एनालिसिस और क्लियर कट है। सो यही मैंने चीजें स्टूडेंट्स को बता के रखा था, उसका रिजल्ट्स आप लोगों ने देखा कि मार्केट कैसे गया। देखो, आप कुछ लोग आप बोलेंगे क्या पता आपने बोला या नहीं, आप तो ऐसे ही फेंक रहे होंगे। देखो, कमेंट बॉक्स तो सबके लिए ओपन है ना, स्टूडेंट अगर मैं फेंक रहा हूंगा तो स्टूडेंट्स आकर कमेंट करके भी तो बता सकते हैं ना कि नहीं नहीं सर ने ऐसा नहीं बोला था, गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, ऐसा तो नहीं। तो इससे तो आप समझ जाओगे मैं तो कुछ नहीं करने वाला। तो देखो, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होता, झूठ 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, मेरी एनालिसिस उस तरीके से चलती है तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और उसके पीछे ना बायर्स और सेलर का साइकोलॉजी भी था, ऐसी बात नहीं कि मैंने हवाबाजी किया था, उसके पीछे सेलर्स बोल रहे थे, बायर्स बोल रहे थे, मोमेंटम मार्केट का सब कुछ देखने के बाद डिसीजन लिया था। आज भी मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को वीडियो डाल के दिया था मैंने कि उसके अंदर बता दिया था कि प्राइस कैसे कंप्लीट होना चाहिए तभी जाकर सेलिंग मोमेंटम आएगा, वरना सेलिंग मोमेंटम आ ही नहीं सकता। अभी जो मुझे दिख रहा है वो क्लियर कट बायर साइड की मोमेंटम में दिख रहा है, और आज के दिन पे आपने देखा ही है कि बाइंग साइड में कितना मोमेंटम आया, 450 पॉइंट का अपसाइड मार्केट ने मोमेंटम किया, एंड होप आपने भी कैच किया। अब देखते हैं एनालिसिस को, टेक केयर। देखने की कोशिश करते हैं मार्केट का मोमेंटम करेगा, हम कौन से डायरेक्शन ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। इससे बेटर अगर एनालिसिस अगर कहीं मिले ना तो मुझे सीरियसली बता देना। क्लियर कट बता के रखा था आपको कि सेलिंग का मेरा साइड कोई वीवी नहीं है, मैं किसी भी एंगल पे अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और फिर अपसाइड में निकल जाता है, आई एम क्लियरली जाकर मैं बाइंग करने का ही प्लान बनाऊंगा और मार्केट एक बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट हिंट बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताने, समझिए। देखो, मैं कल ना स्टूडेंट के साथ 11 बजे, क्यों बता रहा हूं उसका रीजन भी समझा देता हूं। 11 बजे कल जैसे हमारा 9 बजे हमने AM पे हमने YouTube का लाइव शुरू किया था, और ऑलमोस्ट मैंने 10:40 पे मैंने लाइव को बंद कर दिया, लाइव को एंड कर दिया, और 11 बजे हमारा सेशन था, जो स्टूडेंट के साथ सेशन था। इस सेशन में मैंने उनको एक चीज समझा के रखी थी, अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होती है ये आपको देख लेना, मैं आपको कुछ स्टूडेंट का एक वीडियो भी लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि एनालिसिस क्या होती है, मैंने क्या बता के रखा था, पूरा सुनिए फिर समझ में आएगा। देखिए, मैंने ये बोला था क्लियर कट कि कल बैंक निफ्टी किसी भी हालत पे सेलिंग के साइड में प्लान होगा ही नहीं, मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता, ये कंप्लीटली अगेंस्ट द प्राइस है, ये जा ही नहीं सकता मार्केट इसके नीचे, कभी भी जाकर कल मार्केट गैप अप ओपन होगा और इसी के बाद ये शूट अप कर जाएगा। इसीलिए मैं आज 9 बजे
9 बजे 9 AM को मैं आज लाइव नहीं आया था, क्योंकि ये बढ़िया मोमेंटम दिखने वाला था, मुझे पहले ही दिख रहा था, और मुझे अगर इसको कैच करना है तो मुझे मैं लाइव में इसको कैच नहीं कर पाऊंगा, और ये फास्ट होगा, और अगर इसके अंदर मेरा SLB चला जाता है तो भी मैं रिपीट ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और ये करने के लिए मैंने आज सोचा कि 9 बजे में नहीं, मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा लाइव, लेकिन लेट आने के बाद जब ऐसा मार्केट फट गया तो मैं उसको पूरा एंजॉय करते करते गया तो ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था लाइव में। एनालिसिस ये लेवल की आपने पूरे YouTube पे कहीं पर भी नहीं देखा होगा, और इसके बाद भी कहीं नहीं देखने वाले हो, क्योंकि जो मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं या फिर जो मैं आपको चीजें शेयर करता हूं, ये आपको कहीं पर भी कहीं मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि ये एनालिसिस मैं कहीं से कॉपी नहीं कर रहा हूं या फिर कहीं से चुरा के नहीं ले जा रहा हूं। दिस इज माय एनालिसिस, दिस इज माय वर्कशॉप, दिस इज एवरीथिंग इन माइंड। ये मेरा माइंड है ना, उसको जो देखकर मार्केट को ट्रेड करता है। आज आप अगर आप सच में चाहते हो मेरे से ऐसी एनालिसिस और ऐसी चीजें, आप कुछ भी कर लो, आप जो कर लो, आप चाहे तो मतलब सिर मारो कहीं पर या मेरा सिर मारो, आपका सिर, कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आप कुछ तोड़ो फोड़ो या कुछ भी करो, आज वीडियो के अंदर 500 कमेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए, 500 कमेंट्स वीडियो के अंदर चाहिए। अगर आप 500 कमेंट्स वीडियो के अंदर दे जाते हो तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको ट्रेडर बनने के लिए मैं आपको फ्राइडे को वीडियो शूट करके दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैंने कैसे ढूंढा इसका कुछ आपको ग्लिच दे दूंगा, ग्लिप्स दे दूंगा आपको, तब आपको पता चल जाएगा। ये मुझे कैसे पता था कि मार्केट इस तरीके से अपर शूटअप करने वाला है, और एक इंपॉर्टेंट मैंने समझा के रखा था, बात सुनिए। मार्केट अपसाइड जाएगा तो जरूर, कुछ भी कर ले बैंक निफ्टी, एक बार बैंक निफ्टी अपसाइड में शूटअप करेगा ही करेगा, और उसके बाद ये फेलों के नीचे भी आ सकता है। ये पूरी एनालिसिस पहले से रेडी थी, क्लियर कट, उसका वीडियो दिखा दूंगा, देख लेना, समझ जाओगे। कोई देखो, मुझे कुछ खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप मैं मेरे एनालिसिस शेयर करने यूट्यूब पे आता हूँ, आपको अच्छा लगे देख लीजिए, नहीं देखे नहीं देख लीजिए। जो हेटर से आज भी वही कमेंट करते हैं निगेटिव, एक कमेंट करता है, 100 लोग अच्छी कमेंट करते हैं तो एक ही निगेटिव, क्योंकि किसी को मतलब इतना परफेक्शन किसी को पच नहीं जाता ना, तो इसकी वजह से वो चलता है, उनका तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये नेक्स्ट लेवल आप भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द ओनली मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड द प्राइस अंडरस्टैंड, बाकी यहां पर कुछ भी सीखने के लिए नहीं है। मैं मुझे ही ज्यादा कुछ मार्केट का आता ही नहीं है, लेकिन मुझे बस प्राइस को रीड करना आता है। हमारे स्टूडेंट्स को भी पूछ लीजिए, हम कुछ नहीं करते, ये थीटा गामा डेल्टा ये वो बकवास ये वो, उस तरीके से हम कुछ काम ही नहीं करते। मेरा बताने का मकसद बस इतना ही सिंपल है, मेरा बताने का मकसद एक सिंपल सा है कि मैं एनालिसिस ओनली चार्ट देखकर करता हूं, और आपको भी पूरा फोकस चार्ट पे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी हालत में बाकी सारी चीजें सीखकर आप कभी भी मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। लोग गलती कहां करते हैं, लोग गलती करते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, अब मुझे ये मोमेंटम अच्छी तरीके से पता था, सुनिए अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मोमेंटम मुझे अच्छे से पता था और ये भी मुझे पता था, लेकिन क्या मैं यहां पर भी पैसे बनाऊंगा और यहां पर भी पैसे बनाऊंगा, अरे क्या जरूरत है। ये देखो ना कैसे रोते 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 नीचे आया है, तो मेरा परफेक्शन क्या होना चाहिए, मेरा एंट्री यहां पर होना चाहिए और मुझे यहीं पर पैसा बना लेना चाहिए, और बाकी टाइम पे मुझे आराम से शांति से इस फेज में आराम से शांति से बैठ जाना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं करने की जरूरत है। मैंने खुद एंट्री आपको टेलीग्राम पे पहले ही शेयर कर दिया था, एग्जैक्टली इसी बॉटम के आसपास आसपास, यहां पर मैंने निफ्टी को भी बाय किया और बैंक निफ्टी को भी बाय किया, और दोनों साइड ने जब बूम किया तो बहुत मजा आया, और होप आपने भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट किया होगा, बड़ा पैसा बनाने में आपको भी ना मदद मिल चुकी होगी, होप आप इतना तो समझ गए होंगे। चलो कल का एनालिसिस देखते हैं। ओके देखो, जैसे कि सर कल आपने लाइव सेशन में कहा था कि बैंक निफ्टी एक ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकती है, वैसे आज बैंक निफ्टी ने ऊपर के साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। मार्केट आज भी वही रेंज में है, जिस तरीके से चल रहा है उसी रेंज के अंदर अंदर है। कल यही तो बता के रखा था, मुझे यही दिख रहा था, बैंक निफ्टी जाएगा जरूर ऊपर, लेकिन फेल होके वापस नीचे आने वाला है पता था, लेकिन बड़ा मोमेंटम करेगा, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, 450 बन बहुत हो गया पैसा बनाने के लिए, राइट। देखो अब देखो हम कैसे ट्रेड करने वाले, अभी भी मार्केट ये मोमेंटम होने वाला था हो गया, अभी भी मार्केट उसी जोन के अंदर है, अगर मार्केट उसी जोन के अंदर अभी भी रह रहा है तो मार्केट कुछ कंफ्यूजिंग में सिनारियो में चल रहा है, मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाता है सेलर्स मार्केट सॉरी जब भी मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे चलाता है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे चला रहा है, तो अभी कैसे डिसीजन लेंगे। कल का सिनारियो सिंपल बता रहा हूं, मार्केट कल इसी रेंज के अंदर रहेगा, ओपन हुआ फ्लैट ओपन हुआ इस रेंज के अंदर, कहीं पर भी यहाँ पर अंदर कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद आप कोई ट्रेड मत करना, बैंक निफ्टी में आज का बड़ा मोमेंटम हो चुका है, कल कोई ट्रेड मत करना, निफ्टी का एक्सपायरी है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ जाओ।
कुछ मत ट्रेड करना, मार्केट को जाने दो, मार्केट क्या करेगा इसी रेंज के अंदर ओपन होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, छोड़ देना उसको, कुछ नहीं करना। एक लेवल बता देता हूं उसके नीचे और उसके ऊपर ही कुछ सोचेंगे, तब तक कुछ प्लान नहीं करेंगे। अभी मेरा जो बाइंग का मेरा सेंटीमेंट था वो हो चुका है, पहले ही पता था कि एक बार तो मार्केट, मैंने यही लाइन बोला था, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हालत पे बैंक निफ्टी को एक बार तो कम से कम ऊपर जाना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ही फेल होकर नीचे आ सकता है। यही लाइन था और यही लाइन यहां पर अभी एक्टिव हो चुका है। लेट इट, उसके बाद 500 कमेंट याद रखना, मैं नीचे लिख के दे रहा हूं, 500 कमेंट्स करना ही है। सो मार्केट यहां पर ओपन हो जाए फ्लैट रेंज में, कुछ मत करो, मार्केट 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी वापस, कल का ही सेम एनालिसिस, कुछ नहीं करना है। 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जब तक प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं करता, कोई भी ट्रेड मत करना, आप ट्रैप हो सकते हो। अगर 49,500 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी प्रॉपर लेवल पे सस्टेन नहीं करता, ट्रेड मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। कल मार्केट गैप डाउन करे, गैप अप करे, तभी कुछ प्लान क्रिएट कर सकते। फ्लैट ओपन हुआ था, हमारा ट्रेड परफेक्शन था, चला गया। गैप अप ओपन होने के बाद 15-20 मिनट अगर मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है, तभी मैं कुछ प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं कुछ भी प्लान नहीं करने वाला। नीचे के साइड में भी सेम है, मार्केट जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा, मैं कोई भी ट्रेड पर आने करने वाला। साइडवेज ओपन हो गए तो कंप्लीटली प्राइस एक्शन देखने के बाद ही डिसीजन लेंगे, कुछ भी कुछ क्रिएट होता तभी कुछ प्लान करेंगे, उसके पहले भी कोई प्लान नहीं करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस, सिंपल सा फॉर्मूला, इतना तो समझ गए और इतना ही करना है। चलो एक बार निफ्टी को देखते समझ जाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, फिर से सेलिंग में आ रहे हैं, निफ्टी उसी रेंज के अंदर वापस, निफ्टी उसी रेंज के अंदर अंदर आ गया, सेम जहां पर था सेम उसी के रेंज के अंदर अंदर आ गया, उसी रेंज के अंदर अंदर। कल जाकर ट्रेड करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे? निफ्टी में हम बाई साइड का ही ट्रेड करने के प्लान करेंगे, जब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 23,200 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करता, तब तक हम कोई भी सेलिंग साइड का ट्रेड लेने का प्लान नहीं क्रिएट करेंगे। सेलिंग साइड का प्लान 200 के नीचे ही करेंगे, और उसके नीचे तभी करेंगे, उसके नीचे जाएगा तो भी एक सेलिंग का प्लान क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग को नहीं करने वाले। अभी भी निफ्टी का मेरा प्लान कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिख रहा है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होकर निकल जाता है पॉजिटिव ही ट्रेड करेंगे। डायरेक्टली मार्केट निफ्टी नीचे जा रहा है, पहली बार में उसको छोड़ देना, जाने दो, अच्छी तरीके से सेलअप करने दो, उसके बाद ही कुछ प्लान बनेगा, तभी कुछ प्लान करेंगे, उसके पहले भी कोई प्लान नहीं करेंगे। आज का टारगेट है 500 कमेंट का, अगर 500 कमेंट कर देते हो तभी मैं आपके लिए कोई एक नया डिस्काउंट या फिर कुछ भी एक नई चीज निकाल सकता हूं, आपके लिए बेनिफिशियल दे सकता हूं। चलो देखते कितने लोग कमेंट करवा देते, कमेंट कर गए तो आपके लिए बहुत बढ़िया दे दूंगा, कुछ ना कुछ तो पक्का दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।